नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आवास योजना के वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। जी हाँ भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना के वेरीफाई कराने में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपने आवास योजना का आवेदन करने के बाद कितना समय लगेगा आपके आवास योजना के वेरीफाई होने में। तो भाइयों, हम आपको ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट कुछ चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है दोस्तों। ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर और भी शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के मोड में है दोस्तों। तो हम सभी योजना के बारे में बताएंगे अलग अलग प्रोसेस में। तो इसके कुछ चैप्टर होंगे दोस्तों, जो अलग अलग पार्ट में आते रहेंगे, आपको डेली एक से दो पार्ट मिलेंगे आपको। और भाइयों, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी समस्या होंगी दोस्तों, तो नीचे कमेंट में लिखेंगे, हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो आपकी समस्या होगी भाइयों। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर एक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अपडेट के बारे में। तो चलिए भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो। हम इस वीडियो में आपको शहरी आवास योजना के बारे में बताएंगे भाई। शहरी आवास योजना जो है, इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, यानी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड की प्रक्रिया अलग होती है दोस्तों, और ऑफलाइन मोड की प्रक्रिया अलग होती है। तो ये हम इस पहले पार्ट में आपको बताएंगे ऑनलाइन मोड के बारे में। ऑनलाइन मोड में दोस्तों क्या वेरीफाई कराना पड़ता है, और कैसे कैसे ऑनलाइन कराने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आपको लाभ चाहिए तो, और आपने आवेदन भी करवाया है दोस्तों, तो इसके सबसे पहले मुख्यतः पार्ट होता है दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन मोड से किया है तो आप लोगों को एक फॉर्म मिला होगा दोस्तों, जिसे रिसीविंग कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन कराने के बाद आपको एक रिसीविंग मिली होगी भाई। इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, यानी असेसमेंट आईडी। इस असेसमेंट आईडी से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं अपना फॉर्म कैसे है, आपका फॉर्म जो कहाँ पहुँचा है, लेवल पर है। तो भाई हम आपको बताते हैं, असेसमेंट आईडी जो कंप्लीट करने के बाद, यानी ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन करने के बाद भाइयों, आपका सबसे पहले फॉर्म जाएगा म्युनिसिपल काउंसलर ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद दोस्तों, इसकी होती है जांच पड़ताल, यानी निरीक्षण करते हैं कि आपने जो आवेदन किया है दोस्तों, आप सही किए हैं। और आप जहां से भी हैं दोस्तों, कि आप किस ब्लॉक से हैं, किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, आपकी सारी चीज़ें जाँच ली जाती हैं। जाँचने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म वेरीफाई करते हैं। अगर आप फॉर्म में देखिए, इसमें क्या होता है, एक छोटी और बड़ी मिस्टेक करते हैं दुकानदार दोस्तों। दुकानदार क्या होते हैं कि आपको फॉर्म में ज़्यादा प्रक्रिया ना करने की वजह से ना, आपको सिर्फ परिवार के एक ही सदस्य का नाम डालते हैं। नॉर्मली दोस्तों, एक ही सदस्य का नाम डालने के बाद आपको आवास योजना का लाभ मिल जाता है। लेकिन भाइयों, सभी लोगों को ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का फॉर्म पेंडिंग पड़ जाता है, क्योंकि आपके फैमिली में सिर्फ एक ही मेम्बर है। ऐसा तो होता नहीं भाइयों। अगर भाइयों आपको आवास का लाभ चाहिए, तो आपके परिवार में जितनी भी परिवार की संख्या होती है, जैसे मम्मी पापा बेटी बेटा दादा दादी, अगर आपको एक आवास चाहिए तो इन सभी का नाम जोड़ना चाहिए उस मेंबर में दोस्तों। ऐसा लेकिन दुकानदार नहीं करते, सिर्फ एक ही नाम में डालते हैं, जिसके कारण सबका फॉर्म पेंडिंग में डाल दिया जाता है। और आपको लगता है कि कितना टाइम लग रहा है वेरीफिकेशन कराने में, आपको असेसमेंट आईडी से ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो भाइयों, ये हुआ आपके ऑनलाइन असेसमेंट आईडी से ट्रैक करना। और भाइयों, अब हम आपको बताते हैं वेरिफिकेशन में एग्जिट टाइम कितना लगता है। सच तो ये होता है भाइयों कि वेरिफिकेशन टाइम में कम से कम 1 मंथ या से 2 मंथ, यानी 1 मंथ से 2 महीने आपको लग सकते हैं वेरिफिकेशन कराने में। लेकिन भाइयों, अगर आप होशियार हैं और आप अपना सारा फॉर्म जाकर सबमिट करते हैं, खुद करवाते हैं और खुद जाकर उसको ट्रैक करते हैं, जो प्रक्रिया का प्रोसेस होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इससे आपको जल्दी आवास योजना का लाभ मिलेगा। आप लोग अपना हर बार पता करते रहें दोस्तों कि कहां पर आपका फॉर्म पहुंचा है असेसमेंट आईडी के द्वारा। असेसमेंट आईडी जो ऑनलाइन रिसीविंग होती है, वहीं पर लिखा रहता है दोस्तों, आप लोग चेक कर लेंगे अपना ओटीपी के माध्यम से, सब लोग चेक करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बताएंगे, हम उस पर वीडियो बताएंगे दोस्तों कि असेसमेंट आईडी कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे कैसे क्या होता है इसके, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होंगे दोस्तों वेरिफिकेशन के, हम एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं आपको। तो प्लीज भाई, आप लोग वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा, डेली हम आपको एक से दो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो बस भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही, अगला इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में डेली आपको जरूर देंगे दोस्तों। और शहरी आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको वेरीफाई कराने में कितना समय लगता है और वेरीफाई कैसे करवाएंगे, सारी जानकारी देंगे। तो चलिए भाई, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाइयों।